हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 15 जून 2019 की प्रीलिम्स अब्रेटा सीरीज में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। देखो, ये जो हमारी डिस्कशन है प्रीलिम्स की, इसमें ऐसी बात नहीं कि केवल सारे फैक्ट्स प्रीलिम्स के डिस्कस किए जाते हैं। कुछ मेंस के पॉइंट भी होते हैं जो कि हम आंसर राइटिंग में यूज हैं वो कर सकते हैं। इसी के साथ एस्से राइटिंग में भी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे इनका यूजफुल वो हो सकता है। अब यहाँ पे हम इंडियन एक्सप्रेस हुआ, इसके साथ जो हिंदी न्यूज़पेपर आते हैं दैनिक जागरण, द हिंदू हुआ, PIB की न्यूज, इन सारी न्यूज़ को हम यहाँ पे कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दैनिक जागरण से न्यूज़ ली जाती हैं, केवल द हिंदू से ही न्यूज़ ली जाती हैं। बाकी अदर न्यूज़पेपर हैं जैसे कि डाउन टू अर्थ है, इसी के साथ एक ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन, एक थिंक टैंक है ORF, वहाँ से भी न्यूज़ है वो ली जाती हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, जहाँ जहाँ मिलती हैं, उन सारी न्यूज़ को यहाँ पे कवर है वो किया जाता है। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। पहला जो आर्टिकल है वो है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि SCO के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है, न्यूज़ में क्यों है भैया, तो देखें। देखो, न्यूज़ में इसलिए है कि अभी SCO का समिट है ना 2019 में, वो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, वहाँ पे आयोजित होने वाला है। अब देखो, प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात तो ये कि किर्गिस्तान है वो क्या है, सेंट्रल एशिया की कंट्री है, और सेंट्रल एशिया आपको पता है कि इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए सेंट्रल एशिया की जो जो कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल और उनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि किर्गिस्तान है वो सेंट्रल एशिया की कंट्री है और बिश्केक उसकी कैपिटल है। इसी के साथ वो फैक्ट देखते हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बनाया था संघाई पैक्ट के तहत। जैसा कि नाम से पता चल रहा है संघाई है, तो संघाई पैक्ट के तहत इसको बनाया गया था। देखो, संघाई SCO है, इसकी बात करें तो 2001 में इसको बनाया गया था। स्टार्टिंग में इसमें 5 ही कंट्री शामिल थी। कौन कौन सी थी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रसिया, और इसी के साथ तजाकिस्तान। ये थी स्टार्टिंग की 5 कंट्रियाँ। फिर क्या हुआ था, बाद में एक और कंट्री शामिल हो गई थी, कौन सी, उज्बेकिस्तान, वो भी 2001 के लास्ट में शामिल है हुई थी। तो कुल मिला के 6 कंट्री हो गई थी। और अभी अगर रिसेंटली बात करें तो SCO के जो मेंबर संख्या है वो है टोटल 8। दो कौन कौन सी हैं, एक तो है इंडिया और एक है पाकिस्तान। तो भी इंडिया, पाकिस्तान और ये 6 कंट्री हैं, कुल मिला के SCO की 8 मेंबर कंट्री हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। इंडिया और पाकिस्तान को मेंबरशिप है वो मिली थी 2017-18 के टाइम में। तो अभी ध्यान रखना है कि जो 2019 का समिट है, मीटिंग है, वो कहाँ पे आयोजित है, वो हो रही है। अब देखो, जो SCO है ना वो एक यूरोशियन, यूरोशियन का मतलब इसमें यूरोप की कंट्री भी हैं और एशियन कंट्री, दोनों ही कंट्री शामिल हैं। UPSC पूछ लेती है एक्सट्रीम स्टेटमेंट, जैसे कि इस बार UPSC ने क्वेश्चन पूछा था 2019 में AIIB के बारे में, एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक है ना, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था UPSC ने कि इसमें ओनली या केवल एशियन कंट्री इसमें शामिल है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इसमें एशिया के बाहर की कंट्री, उन अफ्रीकन कंट्रीज थी वो भी शामिल थी। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सट्रीम स्टेटमेंट UPSC ने पहले भी पूछे हैं और आगे भी पूछ सकती है। तो ध्यान रखना है कि जो SCO है उसमें केवल एशियन कंट्री नहीं है, यूरोप की भी कुछ कंट्रीज हैं। कौन सी, जैसे बात करें रशिया की, रशिया अकेला एशिया में नहीं आता, इसका कुछ पार्ट है वो यूरोप में भी आता है। इसलिए एक यूरोशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसमें केवल पॉलिटिकल बात ही नहीं की जाती, पॉलिटिकल रिलेशन के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस, इसी के साथ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इन पे भी फोकस किया जाता है। जैसे इसका काम क्या है वो देखते हैं। देखो, वैसे तो जो मेनली ग्रुप्स होते हैं ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनका घूम फिर के एक ही मोटो होता है कि म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको स्ट्रेंथ करना, इसी के साथ आपस में कोऑपरेशन करना, पॉलिटिक्स के एरिया में, ट्रेड के एरिया में, इकोनॉमिक के एरिया में, आपस में रिसर्च है कोलाब्रेशन करना, टेक्नोलॉजी है उसको एक्सचेंज करना, कल्चर रिलेशन है इनको और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, इसके साथ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और भी काफ़ी सारे एरिया में मतलब म्यूचुअल जो फोकस है वो किया जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करें कि जो मतलब यूरेशियन कंट्रीज हो गई हैं, इनके बीच में पीस, शांति को प्रमोट करना, सिक्योरिटी को बनाए रखना और भी तरह के जो इश्यूज होते हैं उनसे निपटने के लिए काम है वो करती है। तो SCO के जो फैक्ट्स थे उनको हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर लिया है, जैसे कि UPSC क्वेश्चन बनेंगे वो हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन। पहला फैक्ट ये है कि इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है वो है क्या और कहाँ पे है। देखो, जो इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है ना IOR का, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, IFC IOR, ये है इंडिया के गुरुग्राम, मतलब जिसका पुराना नाम गुड़गांव है, वहाँ पे इसको
हेडक्वार्टर को या इस सेंटर को बनाया गया है। क्या है इस सेंटर का काम? देखो, इस सेंटर का काम नाम से पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन, यानी कि इंडियन ओशियन का जो एरिया है ना, उस एरिया की जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको आपस में शेयर करने के लिए बनाया गया है। देखो होता क्या है, जैसे ये हमारा इंडिया हो गया और इसके इधर ये होगा इंडियन ओशियन सारा। अब होता क्या कि इंडियन ओशियन में ऐसा तो है नहीं कि केवल अकेले इंडिया की सिप है वो चल रही है, बाकी अदर कंट्रीज की सिप है वो इधर से उधर जा रही होती है, मतलब कॉमर्शियल सिप है वो इधर से उधर आवाजाही रहती है, ट्रैफिक बना रहता है। जिस तरीके से सिटी में गाड़ियों का ट्रैफिक होता है, उसी तरीके से समुद्र में भी शिपिंग है, इनका ट्रैफिक बना रहता है। तो इस ट्रैफिक को मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी है। और मैनेज करने की हम बात करें, जैसे कि ये पता भी होना चाहिए इंडिया को कि कौन सी कंट्री की शिप है वो यहाँ पे आई है, कौन सी कंट्री के शिप किधर से किधर जा रही है, कितने बार आई, तो क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होती है, चाहे हम बात करें सिक्योरिटी के लिए या फिर और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, और भी काफ़ी सारी डायमेंशन होती हैं। तो इसलिए होगा क्या कि ये जो सेंटर है ना, इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ये क्या करेगा कि इंडियन ओशन में जो भी व्हाइट शिपिंग या फिर कॉमर्शियल शिपिंग आवाजाही करेंगी ना, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपस की जिन भी कंट्रीज़ को ज़रूरत है इस एरिया में, उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, ताकि ट्रेड जो ट्रैफिक है यहाँ पर वो स्मूथली रन कर सके। मतलब यहाँ पर जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है उसको भी एनहांस है या इम्प्रूव है वो किया जाएगा, और इसी के साथ एक तरीके से इंडिया को मेरीटाइम इन्फॉर्मेशन हब के तौर पर डेवलप है वो किया जाएगा। अभी कंटेक्स्ट आया था कि जो ये इंडियन नेवी है ना, वो इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है ना IOR का, इसकी एक मीटिंग या फिर इसका एक वर्कशॉप है वो आयोजित कर रही है गुरुग्राम में ही, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जैसे मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी गुरुग्राम में ही है। तो मैंने इसके बारे में जो फैक्ट है वो सारे यहाँ पे बता दिए। बाकी आपको पता ही है कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 7,500 किलोमीटर की है, तो ये जो बेसिक छोटा सा फैक्ट पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसका 54th एडिशन है वो अभी कंप्लीट हुआ, और ये 54th एडिशन में ज्ञानपीठ पुरस्कार वो दिया गया अमिताव घोष को। अब यहाँ पे फैक्ट इम्पोर्टेंट देखो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हिस्ट्री लैंग्वेज के लिए किसी राइटर को मिला है, मतलब हिस्ट्री सॉरी जो इंग्लिश लिटरेचर के एरिया में जो ये अमिताव घोष हैं का काफ़ी अद्वितीय योगदान दिया है, इसीलिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये फैक्ट UPSC पूछ सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके और क्या है वो देखते हैं। देखो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये 1961 में बनाया गया था, और जो लिटरेचर है हमारे देश में इसको प्रमोट करने के लिए जिनका अद्वितीय योगदान रहा है लिटरेचर या साहित्य के क्षेत्र में, उनको सम्मानित करने के लिए अवार्ड है वो मतलब स्टार्ट है वो किया गया था। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? देखो इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इसी के साथ जो इंडिया का शेड्यूल 8वां है, 8th शेड्यूल है, उसके अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं या फिर और भी जो लैंग्वेज हैं, टोटल 22 लैंग्वेज हैं, उनमें जिस भी पर्सन का या जिस भी साहित्य पर्सन का अद्वितीय योगदान है उसको ये अवार्ड है वो दिया जाता है। बट एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ओनली उन्हीं 22 लैंग्वेज की बात नहीं की गई है, एक लैंग्वेज और भी शामिल की है अलग से, जो है इंग्लिश। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज है उसको भी इसके लिए शामिल किया गया, क्योंकि इस लिटरेचर को भी अवार्ड है वो दिया जाएगा। ध्यान रखना इंग्लिश स्टार्टिंग में कंसिडर नहीं की गई थी, बट जब 49th ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था, उस दौरान ये फोकस किया गया कि भाई इंग्लिश लिटरेचर है इसके एरिया में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जा सकता है। तो ये इफेक्ट UPSC पूछ सकती है। UPSC कह सकते हैं कि भाई ओनली जो शेड्यूल 8th है उसके अंदर जो लैंग्वेज दी गई है उन्हीं के लिए अवार्ड दिया जाता है, नहीं भाई इसके साथ इंग्लिश को भी अलग से शामिल है वो किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल वो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। क्या ये हम देखते हैं, हाइपरसोनिक स्पीड कौन सी होती है, सबसे पहले तो आप ये बताओ। देखो एक मेक आपने सुना होगा कि जो मतलब अभी DRDO ने मिसाइल बनाई उसकी स्पीड 2 मेक थी, 3 मेक थी, जो इस मिसाइल की स्पीड वगैरह है वो मेक में काउंट की जाती है। 1 मेक का मतलब ये होता है कि साउंड की जितनी स्पीड है उसके इक्वल स्पीड है उस विमान की, वो होती है 1 मेक। 2 मेक का मतलब क्या हो गया कि उसकी स्पीड है वो हवा की स्पीड या हम बात करें जो एयर साउंड की स्पीड है उससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से मेक स्पीड है वो काउंट की जाती है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाइपरसोनिक स्पीड कौन सी होती है, पहले तो आप ये बताना। काफ़ी बार देखो हमने डिस्कस किया है, पहले एक बार आप बताना कमेंट बॉक्स में, फिर आगे हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। कंटेक्स्ट यह है कि DRDO ने रिसेंटली एक परीक्षण है वो सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। कौन सा? स्वदेशी रूप से उन्होंने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की वो भी ईजाद की थी, और उसका सफल एक्सपेरिमेंट किया गया है।
देखो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो व्हीकल है ना, ये मेनली यूज होगा एयरक्राफ्ट्स में, जो अनमैन्ड स्क्रैमजेट डिमोनस्ट्रेशन व्हीकल्स होते हैं उनमें, इसी के साथ सिविलियन एप्लीकेशंस में इनका यूज हो सकता है। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती है, उनको एक्स्ट्रा स्पीड देने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज है, वो हो सकता है, या फिर इस व्हीकल का यूज हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल हो गई, इसी के साथ जो सेटेलाइट हो गए हैं लो कॉस्ट वाले, मतलब जो कि सस्ते सेटेलाइट हैं, या फिर अगर हम सॉरी जो सेटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उनको भी लॉन्च किया जाएगा इसी की हेल्प से। मतलब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोनस्ट्रेटर व्हीकल है, इसकी हेल्प से सेटेलाइट को भी लॉन्च किया जाएगा लो कॉस्ट पे, सस्ती रेट में हम सेटेलाइट है वो वर्ल्ड भेज सकते हैं स्पेस में। ये टेक्निक इंडिया ने ईजाद की है, तो यूपीएससी पूछ सकती है इसके एप्लीकेशंस। देखो किसी भी चीज़ के अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो उसके एप्लीकेशन काफ़ी सारे एरिया में हो सकते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि भाई किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन है वो एक लिमिटेड एरिया में हो, क्योंकि देखो इंडिया में आपको पता है जुगाड़ नाम की भी एक चीज़ होती है कि हम किसी भी चीज़ का कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से कोई भी एक चीज़ होती है उसका एक फिक्स मतलब यूज़ नहीं होता है, उसकी काफ़ी सारे डायमेंशन होते हैं, यूज़ हम उसे कहीं भी कर सकते हैं। तो यूपीएससी कई बार से एग्जाम में पूछ ले कि इसका यूज़ है वो केवल स्पेस सेक्टर में ही हो सकता है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, और भी काफ़ी सारे डायमेंशन है, एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी वगैरह कहीं कहीं भी इसका यूज़ है वो हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमोनस्ट्रेटर व्हीकल है वो किसने बनाया है और इसकी स्पीड क्या है। हाइपरसोनिक स्पीड है, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी मतलब सिविलियन एप्लीकेशन जैसे कि जो स्पेस क्राफ्ट हैं, इसके अलावा जो सिविलियन एयरक्राफ्ट हो गए हैं उनमें भी इसका यूज है वो किया जाएगा, सस्ती रेट में सेटेलाइट को स्पेस में भेजा जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है एशियाटिक गोल्डन केट के बारे में। एशियाटिक गोल्डन केट जिसको बेसिकली केटोपुमा कैम्पिंकी के नाम से भी जाना जाता है, देखो इसे IUCN की नियर थ्रेटन लिस्ट में शामिल किया गया है। अब देखो सबसे पहला फैक्ट आपके दिमाग में होगा कि यार हर साल इतने सारी जो स्पेसिस आती है न्यूज़पेपर में, क्या हम सभी को याद रखें कि भाई उसको IUCN की कौन सी लिस्ट में शामिल किया गया है। तो देखो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है कि जो जो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है और मतलब या तो एकदम ख़त्म होने वाली है, या फिर अभी उसके लिए काफ़ी बड़ा इंडिया ने कोई प्रोग्राम चलाया हो, जैसे कि हम बात करें स्नो लेपर्ड की। स्नो लेपर्ड पहले इंडेंजर्ड में था बट अब उसको वनरेबल लिस्ट में शामिल किया गया था रिसेंटली। तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट है ना, लगभग ये मुश्किल से 15-20 ही होती हैं टोटल, वो आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारी की सारी आपको रटने बैठना है, नहीं, जो जो न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि सारी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, देखो कुछ अलग हाईलाइट होती हैं, या फिर किसी के लिए गवर्नमेंट ने कोई अलग से प्रोग्राम चलाया हो, कोई और भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया हो, तो उनके लिए हमें उनका पता होना चाहिए कि भाई उनको IUCN की किस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब देखो जो एशियाटिक गोल्डन गेट है ना, ये बेसिकली नेपाल वाले रीजन से स्टार्ट की बात करें, वहाँ से लेते हुए इंडिया, फिर बर्मा से होते हुए आगे इंडोनेशिया तक यह पाई जाती है, मतलब काफ़ी दूर तक इनका फैला हुआ है। जैसे ये हो गया हमारा यहाँ पे इंडिया, और ये हो गया हिमालय वाला रीजन, तो यहाँ से लेते हुए फिर यहाँ म्यांमार से होते हुए ये इंडोनेशिया वाला रीजन है, इस वाले बेल्ट में यह पाई जाती है। तो पहली बात तो ये कि भाई इंडेमिक नहीं है इंडिया वाले हिस्से में। अब एक फैक्ट ये है कि देखो इसका वाइड वेरिएशन डिस्प्लेड, मतलब काफ़ी सारे एरिया में डिस्प्लेड की हुई है, और अहम बात क्या है कि इसको कोई एक ही एरिया में नहीं रहती है, ये हिली एरिया में भी रह लेती है, इसके साथ जो ग्राउंड वाले एरिया हैं वहाँ पे भी यह पाई जाती है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उन वाले हिस्सों में भी यह पाई जाती है, और जो लो लैंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वहाँ पे भी पाई जाती है, इसके साथ जो एल्पाइन सरब झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे भी यह पाई जाती है। मतलब इसका हैबिटेट है वो कोई एक ही चीज़ नहीं है, काफ़ी सारे डाइवर्स एरिया में यह पाई जाती है, तो इसीलिए आराम से रह सकती है, वो ऐसा नहीं कि भाई एक एरिया में पाई जाती हो और वहाँ पे मतलब ख़त्म होने वाली हो। तो ये थी एशियाटिक गोल्डन गेट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। देखो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये तो हो गया आपकी पर्शियन गल्फ, और ये होगी यहाँ पे अरेबियन सी, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो दिख रहा ना आपसे यहाँ पतला सा है स्ट्रेस, ये है बेसिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज। देखो ये तो होगा ईरान का पूरा हिस्सा, और ये नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे UAE, बट UAE के ऊपर देखो आप थोड़ा ध्यान से देखना इस वाले एरिया में, ये जो छोटी सी चोंच टाइप की दिख रही नहीं है आपको नुकीला सा, ये बेसिकली ओमान का हिस्सा है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान और ओमान के बीच में है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, किस किस को कनेक्ट करती है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। और जो मैक्सिमम हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड का जो ट्रेड की बात करें वो इसी रूट से होता है, कौन कौन चीज़ों का, एक तो LNG, वो LNG क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। देखो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ना,
वो बेसिकली प्रोड्यूस की जाती है कतर के द्वारा, और कतर की लोकेशन आपको दिख रही है ये रही, मतलब कतर है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलएनजी प्रोड्यूसर या सबसे बड़ी एलएनजी एक्सपोर्ट कंट्री है। तो जो एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रूट है वो यही है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के थ्रू होते हुए। इधर से आगे ट्रेड है वो की जाती है जापान, इंडिया, चाइना, अदर कंट्रीज़ में भी। तो आपको ध्यान रखना है कि कतर है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है। इसी के साथ ही जो ओपेक कंट्रीज के कुछ मेंबर हो गई, जैसे कि हम बात करें सऊदी अरब हुआ, यहाँ पे और भी कंट्री बात करें इराक हुआ, ये कंट्रीज़ हैं, ये भी बेसिकली अपने जो मतलब ऑयल है ना उसको इसी रास्ते से एक्सपोर्ट है वो करती हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही। तो ये आपको फिर ध्यान में रखना है। आप ये बताइए कि ओपेक का मेंबर ईरान और कतर में से कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ओपेक है इसका मेंबर कौन है। ओपेक देखो आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का, एक तरीके से ग्रुप है उनका कि भाई जो पेट्रोलियम कितना प्रोड्यूस करना है, कितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनको हमें एक्सपोर्ट करना है, और कितना तरीके से उसको मतलब लगाम लगानी है, एक तरीके से उसको मॉनिटर करना है, रेगुलेट करने का सारे काम ओपेक के द्वारा किया जाता है। तो ये थे सारे फैक्ट जिनको हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर लिया है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको डिस्कशन कैसी लगी, फिर हम और तरह के चेंजेस हैं वो लेके आएंगे, और अभी देखो जीएस की क्लासें हैं वो भी स्टार्ट यहाँ पे कर दी जाएंगी। तो आप एटलीस्ट अपना फीडबैक है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आगे और जो सीरीज है उसको कंटिन्यू किया जा सके। तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।